हाई वेलकम बैक वंस अगेन टू माई चैनल. और ये है हमारा कंटिन्यूइंग शुकरताल पार्ट टू. और आप देख सकते हैं जैसे कि बोट हमारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और इनको देखिए बच्चों को कितना मज़ा कर रहे हैं. और इस तरीके से वाकई बहुत अच्छा लगता है. एक तो इतनी ठंडी ठंडी हवाएं थी और पानी भी इतना ज़्यादा ठंडा था कि बस क्या बताएं. एक्चुअली जो पिछली वीडियो थी जब मैंने कभी शुकरताल की डाली थी तो उसमें क्यू ने ऐसे शोना को करते हुए देखा था कि इसने इस तरीके से हैंड डाला हुआ है पानी में और इसको बस वही याद था. तो ये भी वही फॉलो कर रहा है कि ऐसे मुझे करना है. और यहाँ सब बहुत खुश हैं. ये मोनिका दीदी जो कुछ खाने पीने का लेकर आई थी वो सब जो है पानी के अंदर डाल रही है उनका खाना. और बस ये हम जो है बैग में ही रख लेंगे, ये पानी में नहीं डालेंगे. गंदगी नहीं फैलानी है, सिर्फ खाना डालना है. और आप देख सकते हैं सब यहाँ पर जो है गंगा स्नान कर रहे हैं. तो यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं गंगा स्नान के लिए भी आते हैं. तो ये गंगा का ही पानी है जो इसके अंदर है. और अब बारिश की वजह से देखिए आप कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी भर गया है. तो काफ़ी आगे तक इस तरीके से जो है बोटिंग कराते हैं और काफ़ी अच्छा लगता है. और बच्चों ने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, हमने भी बहुत इन्जॉय किया. ये देखिए मोनिका दीदी भी सब मतलब बड़े खुश थे. एक बड़ा ही अच्छा सूदिंग सा माहौल हो जाता है जब आप इस तरीके से जो है बोट राइड या इस तरीके से फैमिली के साथ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. और ये देखिए अमित ने तो ये बिल्कुल गीले ही कर दिए थे. एक्चुअली इनको इतना नहीं होता है, किबू को तो कुछ पता ही नहीं है. तो इसको तो पकड़ कर बैठना पड़ता है क्योंकि इसको ये नहीं पता है कि बैलेंस गड़बड़ा गया तो फिर क्या होगा. तो यहाँ मैं मोनिका दी को बोल रही थी क्योंकि अभी जो बोट का फेस है वो जो है टर्न हो गया है तो अब इतनी हवाएं नहीं चल रही हैं. पहले बहुत हवा चल रही थी जब हम आगे जा रहे थे लेकिन अभी ठीक है, इतनी हवा नहीं चल रही है. तो मैं वही बता रही थी कि अभी हवा नहीं चल रही है. और अब मैं बोलूँगी कि वो शोना को देखो ये नहा ही चुके हैं पूरे अच्छे से, अमित ने इनको अच्छे से गीला कर दिया. यहाँ मम्मी भी जो हैं लगी हैं वीडियो बनाने में. तो सब बस सोच रहे हैं जितने मोमेंट कैप्चर हो सके बस वो कर रहे हैं. और इन केस इस टाइम पे अगर आप आते हैं तो आपको बोटिंग करने का बड़ा ही सही मौका है यहाँ पर मिलेगा क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है. और मैं भी थोड़ा सा इन्जॉय कर रही हूँ. और मोनिका दीदी को बोल रही थी कि प्लीज़ कैमरा मत डाल देना, कभी पानी में पता चले वीडियो बनाते बनाते कैमरा ही चला गया है. और ये आ गया है कि वो मेरे साथ, तो इसको मैंने पकड़ा हुआ है अच्छे से क्योंकि ये तो बस मस्ती में लग जाते हैं अपना. इनको तो पानी में जो है पानी फेंकना है, इसको टच करना है, बट ये नहीं पता है कि अगर हल्की सी गलती हो गई तो फिर क्या होगा. तो इसीलिए इनको बहुत अच्छे से जो है पकड़ना पड़ता है. और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना. तो क्योंकि वेदर भी काफ़ी अच्छा था, ऐसे नहीं था कि कुछ ज़्यादा ही कड़कती धूप थी और काफ़ी मज़ा आया हमें. और यहाँ पर हम जो है सूर्य को जल दे रहे हैं, अपने पितरों को याद कर रहे हैं. तो पहले मोनिका दीदी ने जो है जल दिया, उसके बाद फिर मैं दूंगी. तो इसमें अपने जो भी हमारे देवता होते हैं, हमारे पितर हैं, हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, तो उन सबको याद करते हुए इस तरीके से बस जल दे रहे हैं. और अब ये मेरी बारी आ गई है. तो यहाँ तो बच्चों का इतना ज़्यादा मन लग रहा था कि ये जाने को ही तैयार नहीं थे. अभी देखो हमारा जाने का नंबर आ गया था लेकिन फिर से बैठ गए हैं, फिर से इन्हें पानी से खेलना है. तो ये देखिए किस तरीके से बस इनको निकालना बड़ा मुश्किल है. तो किसी तरीके से इनको बहकाया फुसलाया कि भाई चलो चलो चलना है. ये देखो और मोनिका दीदी इतनी ज़्यादा है कि जहाँ भी ये कहते हैं कि हमें बैठना है तो कहेंगे चलो ठीक है बैठ जाओ. और भाई मंकी इतने ज़्यादा हैं, आप देख सकते हैं आपको हर जगह यहाँ पर मंकी मिलेंगे. मतलब प्रसाद तो वो किसी के हाथ में छोड़ते ही नहीं है. और ये यहाँ पर इसने डॉग ने अटैक किया तो मैं बस वही कैप्चर कर रही थी. और अब हम पहुँच गए हैं शुकदेव मंदिर, जो यहाँ की सबसे ज़्यादा जिसको कहते हैं फेमस चीज़ है शुकरताल की. और ये हम जा रहे हैं शुकदेव मंदिर पर. इसका मैंने जो भी डिस्क्रिप्शन है वो ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि आप ऑलरेडी मेरी जो पहली वीडियो है उसमें सुन चुके हैं. और मैं बस यहाँ यही बता रही हूँ कि हम यहाँ में पहुँच गए हैं और यहाँ पर शायद भगवत गीता हुई थी तो काफ़ी लोग एक साथ निकल रहे थे. तो बस अब हम जा रहे हैं दर्शन के लिए. और स्टोरी तो मैंने इसमें कवर नहीं करी है, अगर आपको स्टोरी देखनी है तो प्लीज़ डू चेक माई शुकरताल वीडियो. मैं उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. हमारी जो पुरानी वीडियो मैंने बनाई थी शुकरताल की, आप उसमें जाकर वो कहानी सुन सकते हैं. और बस अब हम जा रहे हैं. तो भाई यहाँ पर एक चीज़ फेमस है कि अगर ये जो बड़ का पेड़ है यहाँ पर, अगर आप इसके ऊपर किसी भी दो पैरेट को एक साथ देख लें तो वो काफ़ी शुभ माना जाता है. और यहाँ पर आपको मैं आप दिखाऊँगी किस तरीके सब कोई बस तोते देखने में लगे हुए हैं कि सबको तोते दिख जाए तो उनका जो है लकी डे बन जाएगा. और बस अब मैं वही आपको सब चीज़ें दिखाऊंगी. ये देखिए सब ने अपनी जो वो कहते हैं ना मुरादें मांगी हैं उसके लिए इस तरीके से ये कलावा यहाँ पर बांधा हुआ है. इसकी परिक्रमा करते हैं लोग, काफ़ी मान्यता है.
हमारा तो यहाँ पर काफ़ी आना जाना हो जाता है, जब भी हम मुजफ्फरनगर जाते हैं तो शुकरताल होकर ही आते हैं, और मेरी शादी के बाद तो हम कई बार जा चुके हैं, तो कभी भी ये होता है कि कुछ मांगना है तो वो चीज़ें पूरी भी होती हैं, ऐसा नहीं है। और अब मैं दिखाऊंगी आपको यहाँ पर सब कैसे तोते देख रहे हैं, ज़रा सुनिए गौर से, तोते देख रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि तोता देखना इज लकी और दो दिख जाए एक साथ, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ योर शो ना। ऊपर सर्च करो, आपको टू पैरेट एक साथ दिखेंगे क्या? ऊपर सर्च करो। और अब मैं भी आ गई हूँ यहाँ पर तोता देखने के लिए, तो काफ़ी दिखे मुझे तो, और अब मैं मोनिका दीदी शोना की वो इन सबको कहूँगी कि आओ तुम भी देखो। एक्चुअली थोड़े ग्रीन हैं यहाँ पर सारे ये जो पत्ते हैं आप देख सकते हैं, तो इसके अंदर अगर पैरेट होगा तो उसको देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो खुद इसी कलर का है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन वही है कि सबको देखना है। काफ़ी टाइम से मतलब काफ़ी लंबे समय से यही चलता आ रहा है कि अगर आप पैरेट एक साथ देखेंगे तो लकी होगा। अब ये नहीं कह सकते कि ये कितना सच है या कितना झूठ है, लेकिन जो चीज़ चलती आ रही है बस वही है। और यहाँ पर अब सब तोता ढूंढ रहे हैं कि तोता दिख जाए, तो आप भी कोशिश करना, इसमें आपको दिखेगा, फोकस करने की हमने कोशिश की है, अगर आपको दिख जाए तो। यहाँ पर भी एक था और काफ़ी तो फिर नीचे ही आ गए थे जो हमें दिखे, और अब यहाँ पर अमित दिखा रहे हैं शोना को, तो बड़ी कोशिश करी हमने शोना को पर मंकी इतने मंकी हैं कि आप ये कहोगे कि भाई कहाँ से ये आ गए इतने सारे। तो बच्चों को तो कुछ नहीं है, बच्चों को इतना ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता है, बच्चे तो बस अपना एंजॉय करने में लगे हुए थे। और अब अमित भी ढूंढ रहे हैं, ये देखो मंकी, मतलब इतने मंकी हैं कि क्या ही बताएं। देख लो दिख ही नहीं रहा, इतनी कोशिश कर ली, ये बैठा मोनिका जी बिल्कुल नीचे बैठा है, ये रहा बिल्कुल नीचे, इसे दिखा मोनिका को दिखा। मतलब अगर मैं इसमें ऐसे करूँगी ना, अभी तो यहाँ थोड़ा ब्लैक दिख रहा है बट वैसे दिख जाएगा वीडियो के अंदर। आ जाओ, ये देखो, ये कितने सारे हैं, एक वो बैठा है ना और एक इधर बैठा है, क्यों आपने देखिए मेरे, देखो इधर, ये रहा, अरे ये रहा, ये देखिए, ये वो इधर, देखो क्यों ये रहा, मेरे इधर, उधर क्यों, मुझे भी देखिया मम्मी, अब तो आपको भी दिख जाएगा। और यहाँ के जो पेड़ हैं वो काफ़ी मशहूर हैं, काफ़ी टेस्टी भी हैं खाने में, और मम्मी हमको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं कि प्रसाद को छुपा कर चलना, क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा मंकी बैठे हैं। और अभी आप सीन देखना किस तरीके से गोरा उसको पकड़ेगी कि आगे नहीं जाना है, मंकी से हटा रही है। देख मंकी देख रहा है, देख 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 इधर से, इधर ले 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 भाई, थोड़ा ले जा इसे, देख देख आ रही है, ले ले, हनुमान जी के मंदिर में भी, लेकिन अभी बंद है और 3 बजे खुलेगा इन केस अगर कोई इस टाइम पे आए तो, कृपया 3 बजे के बाद आए क्योंकि 3 बजे ही ओपन होता है। और बस अब हम यहाँ से सीधा घर निकलेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी सारा घूम चुके हैं और दर्शन हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं। और इस व्लॉग को अब हम यहीं पर एंड करते हैं शुकरताल में ही, और मिलते हैं आपसे विद द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू विज़िट शुकरताल इफ़ यू आर नियर बाय, और अगर आप आ रहे हैं तो ज़रूर विज़िट करें, काफ़ी अच्छा है। लाइक कि वो फिर से यहाँ पे खड़ा हो गया है टॉयज के लिए, ये बेस्ट जोड़ी है।